नौ सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 के लगभग वोट प्लस माइनस पे चल रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। क्या कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है? 90 में से 46-47 सीटें जीतने वाली पार्टी का अगर सुपड़ा साफ होता है तो ऐसा कहने वाले को गणित का शायद कम जानकारी है। क्या जेजेपी पार्टी से आपका गठबंधन होगा? मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा हूं और उस मेरे को किसी के साथ गठबंधन की वो बात ही नहीं आ रही है। बाकी हम सरकार बनाएंगे, सभी दल विपक्षी दलों को भी कहेंगे कि सरकार को अच्छा चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग दे। लेकिन सरकार ये बीजेपी ये कह रही थी कि 70-65 के बीच हमारा आंकड़ा रहेगा, तो इस आंकड़े में इतनी गिरावट कैसे आ? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है और जो कैडर संगठन होते हैं उसमें चाहे वो एनजीओज हों, चाहे वो राजनीतिक दल हों और चाहे वो कोई कॉरपोरेट जगत हो, वो अपने कैडर को एक बिग टारगेट देते हैं। वही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बिग टारगेट दिया और उस टारगेट को सामने रखकर हमने मेहनत की है और उस टारगेट की बदौलत ही हम बहुमत की सरकार बने। सर, हमेशा से देखा गया है कि महाराष्ट्र एक कांग्रेस मानिक स्टेट थी। 2014 से लेकर अभी तक कांग्रेस की बहुत वहाँ गिरावट हो चुकी है, तो क्या इसका ये रीज़न है कि बीजेपी बहुत अच्छा वहाँ काम कर रही है या ये है कि वहाँ पे कांग्रेस के डोमिनेंट अच्छा नहीं? ऐसा है कि अच्छा दोनों बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक परफॉर्मेंस की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के हित में किया कार्य। नरेंद्र मोदी जी के गरीबों के मसीहा के रूप में पिछले 6 साल से इस देश के अंदर जो काम किया है, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरे देश के अंदर चाहे वो महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, गरीबों के मसीहा की छवि मोदी जी की बनी है। उसका कारण है कि जो कांग्रेस करप्शन की ग्राउंड पे खेलती थी, जो उनको लगता था कि उनके सामने कोई व्यक्तित्व खड़ा ही नहीं हो सकता।